बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय काफी ज्यादा गर्माई हुई है और इसका कारण एक ही है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली, समाजवादी पार्टी के लिए उत्साहजनक सीटें आई, 3 सीटें उन्होंने जीती और बीजेपी को यहां पर झटका लगा, उसका वोट परसेंट भी घटा, उसकी एक सीट भी कम हुई। तो ये कम से कम बहुजन जो बीजेपी है उसके लिए भी झटका लगा। इस समय सबसे ज्यादा उत्साहित है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव इस समय रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है दलित वोट बैंक। आपको बता दें कि यादव और मुस्लिम समाज हमेशा समाजवादी पार्टी का बेस्ट वोट माना जाता रहा, ऐसा लोग कहते नहीं बल्कि जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी तब खुलकर यादव समाज पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के साथ लामबंद खड़ा हुआ था और उसी दिन के बाद से यह कहा जाता है कि मुस्लिम और यादवों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य से अगर देखें तो, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, वरना पूरे देश भर में देखें तो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समाज। बात करें दलित वोट बैंक की तो दलित बहुजन समाज पार्टी के यहां पर साथ जाता है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में यहां पर रहता है। लेकिन वर्तमान की जो परिदृश्य है इसमें कुछ सालों के अंदर जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है वैसे वैसे दलितों का भी मोह भंग है वो बीएसपी की तरफ से हो रहा है और इसका कारण अलग अलग संगठन भी हो सकते हैं या कुछ लोग जो बीएसपी से साथ जुड़े हुए थे लोग अलग अलग, जैसे प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले दिनों आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी में 80 समाज के कहीं बड़े बड़े नेता जो कि बीएसपी से जुड़े हुए थे वो समाजवादी पार्टी शामिल हुए अखिलेश यादव के सामने। तो समाजवादी पार्टी में जाने की वजह से अब अखिलेश यादव ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि दलित मुस्लिम और यादवों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए और जाट वोट बैंक को लुभाने के लिए वो पहले से ही लोकदल यानी आरएलडी के साथ गठबंधन में है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाने की खुद पहल कर रहे हैं। पहला काम है अखिलेश यादव ने एक दिशा उठाई है कि कुछ ही दिनों बाद समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से भंग चल रही है उपचुनाव से पहले से ही, अब वो कुछ ही दिनों बाद बनाई जा सकती है। और इस बनाते समय अखिलेश यादव का पहला फोकस यह है कि दलित समाज को उसमें बड़े बड़े पद दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़े जो एससी के समाज है उनको जोड़ा जाए, एससी के युवा वर्ग को जोड़ा जाए, इसको टारगेट किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि एससी का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की जो नीतियां हैं बीएसपी भी सुन नहीं सकते, प्रभारी लोग बात नहीं सुनते, इसी चीजों से थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं और इस चीज का अखिलेश यादव है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पर अगर हम देखें तो दलित समाज के कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं पिछले दिनों में, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन मुद्दों के ऊपर अलग डाइवर्ट करने की कोशिश की, जबकि अखिलेश यादव ने उस मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। जैसे हम बात करें संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मामले की, तो बीएसपी चीफ सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा कि इस मंदिर मामले से लेना हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इस मामले में अपने आप को दूरी करते हैं, जिन 96 साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बीएसपी का कोई लेना, मतलब किनारा काटती हुई नजर आई थी। ये ट्वीट आज भी उनकी ट्विटर अकाउंट पर पड़ा है, जबकि अखिलेश यादव ने इस मामले के अंदर चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिन 96 साथियों को गिरफ्तार किया गया उनको तुरंत का तुरंत आप रिहा कीजिए, मंदिर को उसी स्थान पर बनाइए। तो यह भी एक अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तीसरा पॉइंट पे बात ये काम कर रहे हैं कि जो बीएसपी में बगावत के सुर है, यानी कि बीएसपी में जो बगावती सुर है पिछले दिनों अगर हम देखें तो 2-3 सांसद है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए, जैसे श्याम सिंह यादव है, अफजल अंसारी है जो कि समाजवादी पार्टी में काम भी कर चुके। ऐसे नेताओं पर समाजवादी पार्टी का पूरी कोशिश है कि उनको किसी भी तरीके से बीएसपी से जब उनकी बगावत हो जाए तो उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से रोक करवा दिया जाए। तो ये एक अपने आप में अखिलेश यादव इस समय कोशिश कर रहा है और बीएसपी को बड़ा झटका देने की कोशिश कर रहा है, साइलेंट मोड में एकदम साइलेंट काम कर रहा है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश छोड़कर अभी वर्तमान में कई दिनों से अपने दिल्ली स्थित आवास में ही रह रही है और दिल्ली स्थित आवास के अंदर ही वो ज्यादातर बैठक करती है उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ।